జటాటవి గలజ్జల ప్రవాహ పావిత స్థలే గలేవలంబెలంబితాంభుజంగ తుంగ మాలికాం డమడ్డ మడ్డ మడ్డ మడ్ నినాద వడ్డ మర్వయం చకార చండ తాండవం తనోతు నః శివ శివం శివం. నమస్కార్, ఆప్ సబ్కు హమారే ఛానల్ జ్ఞాన్ ద ట్రెజర్ పర్ స్వాగత్ హై ఔర్ హమ్ ఆప్కు బతాయేంగే కి నరక చతుర్దశి ఇస్ సాల్ సాల్ 2019 మే కబ్ హై. नरक चतुर्दशी का क्या महत्व है और नरक चतुर्दशी पे अभ्यंग स्नान मुहूर्त कब है? देखिए, एक अभ्यंग स्नान मुहूर्त होता है और एक होता है काली चौदस निषिद्ध पूजा. तो इन सब का जो मुहूर्त समय है वो हम आपको बताने जा रहे हैं. तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 26 अक्टूबर साल 2019 शनिवार को काली चौदस निषिद्ध पूजा है. जो अभ्यंग स्नान है वो आपका 27 अक्टूबर को है, जिस दिन आपको स्नान करना है, और उसका जो मुहूर्त है वो भी हम आपको बताएंगे. तो चलिए, हम सबसे पहले आपको काली चौदस का जो निषिद्ध पूजा का जो समय है वो हम आपको बता देते हैं. ये एक्चुअली में पड़ेगा आपको 26 अक्टूबर को, और काली चौदस निषिद्ध पूजा जो है इस साल सिर्फ 50 मिनट का होगा, और 26 तारीख को रात्रि 11:57 से लेकर 12:48 तक होगा, जिसमें आपको काली चौदस की निषिद्ध पूजा करनी है. चतुर्दशी तिथि की जो शुरुआत है वो 26 तारीख को ही होगा और शाम को 3:46 पर शुरू हो जाएगा, और चतुर्दशी तिथि का जो समाप्ति है वो 27 अक्टूबर को दोपहर के 12:23 पे होगा. तो काली चौदस की जो निषिद्ध पूजा का जो समय है वो रात्रि 26 तारीख को 11:57 पे शुरू हो जाएगा, और 12:48 मतलब तारीख पड़ जाएगा 27. तो ये 50 मिनट का निषिद्ध पूजा का समय है. जो अभ्यंग स्नान है, अभ्यंग स्नान का जो मुहूर्त है वो फिर आपका 27 तारीख को है, दिन पड़ेगा इतवार मतलब संडे, और समय होगा जो स्नान का, अभ्यंग स्नान का, वो सुबह के 5:33 से लेकर सुबह के 6:40 तक होगा. मतलब जो ड्यूरेशन होगा वो आपके पास 1:07 होगा. तो चतुर्दशी तिथि की शुरुआत और चतुर्दशी तिथि की जो समाप्ति है वो हमने आपको बता दिया है. अब इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई ये नरक चतुर्दशी जो है उसका महत्व क्या है. नरक चतुर्दशी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है, त्यौहार है. इसे नरक चौदस, रूप चौदस और रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है. पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधान है. दीपावली से ठीक एक दिन पहले मनाए जाने की वजह से नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली भी कहते हैं, छोटी दिवाली. नरक चतुर्दशी के दिन शाम के समय दिए जलाए जाते हैं. इस दिन यमराज की पूजा कर अकाल मृत्यु से मुक्ति और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की जाती है. इसके अलावा नरक चौदस के दिन प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले शरीर पर तिल्ली का तेल मलकर और अपामार्ग, जो चिचड़ी होता है अपामार्ग, अपामार्ग की पत्तियां पानी में डालकर स्नान करने से नरक के भय से मुक्ति मिल जाती है और मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है. तो इसके शास्त्रोक्त नियम हैं जो मैं आपको बताऊंगा. शास्त्रोक्त नियम है, इसकी अपनी एक कहानी है. हिंदू साहित्य ये बताते हैं कि असुर मतलब राक्षस नरकासुर का वध कृष्ण, सत्यभामा और काली द्वारा इस दिन पर हुआ था. ये एक धारा है जो कहता है, और यह दिन सुबह धार्मिक अनुष्ठान, उत्सव और उल्लास के साथ मनाया जाता है. हालांकि मैंने पूरी भागवत तो नहीं पढ़ी है, तो इस विषय में मैं ज़्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा, परंतु मैंने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से ये है कि भगवान कृष्ण ने एक देश जो कि वर्तमान में इराक कहा जाता है को मुक्त कराया था. नरकासुर नामक राक्षस उस समय इराक पर शासन करता था, और उसकी 16,000 उपपत्नियाँ थीं. जो आप बोलते हो ना कृष्ण की 16,000 पत्नियाँ थीं, एक्चुअली में वही मैं बता रहा हूँ आपको. तो उसकी 16,000 उपपत्नियाँ थीं और वह सभी को सताया करता था. तो उस दिन की समस्त
जो जनता थी, उस देश की जो समस्त जनता थी वो बहुत परेशान थी। उसके पुत्र का नाम भागदत्त था और भागदत्त के कारण ही उस शहर को बगदाद के नाम से जाना जाता था। अतः कहा जा सकता है कि इराक आज जो सह रहा है वो 5,000 वर्षों पहले भी उसके साथ घटित हो चुका है। 5,000 वर्ष पहले भी इराक में इसी प्रकार की शासन व्यवस्था थी। और ये हकीकत है, जब ग्रामीणों से आप वहाँ पे बात करेंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे, तो फिर आपको एहसास होगा कि इराक वैसा ही था। एनीवेज, तो उन जो 16,000 जो लड़कियाँ थीं, जो औरतें थीं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने आज़ाद करवाया था, क्योंकि नरकासुर ने बंदी बना के रखा था। अतः जब वो कृष्ण के हाथों मारा गया तो उन सभी स्त्रियों का उद्धार हो गया, श्री कृष्ण ने उन्हें मुक्त करा दिया। उसके बाद 16,000 स्त्रियों ने कहा कि भाई हम सभी आत्महत्या कर लेंगे, और वे सभी सामूहिक आत्महत्या करना चाहती थी, क्योंकि उन दिनों स्त्रियों के लिए वर्जित था कि वे बिना पति के रहें। उन्हें समाज में वो सम्मान नहीं मिलता था, विशेषकर एक आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति की पत्नी को। इसलिए उन सभी ने कृष्ण से कहा कि इस व्यक्ति के साथ रहने के कारण अब हमारा परिवार हमें नहीं अपनाएगा और ये संसार भी हमें स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हम उस आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति जिसमें लाखों लोगों के जीवन का विनाश किया है उसकी पत्नियां हैं, इसलिए अच्छा कि हम सब मर जाएं। तो इस पर श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि नहीं, मैं तुम सबको अपना उपमान दूंगा, उपनाम, तुम्हें अपने आप को ये या वो अथवा नरकासुर की पत्नी कहलाने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण उस काल में एक बहुत ही सम्मानीय और जाने माने व्यक्ति थे, आप जानते हैं। तो ऐसा करने पर वे सभी स्त्रियां मर्यादा के साथ रह सकती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि वे उन स्त्रियों को अपना नाम देकर अथवा उनके स्वामी बनकर या उन्हें अपना पति मानकर मर्यादा प्रदान कर रहे हैं। तो ये कथा है, एक पक्ष है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने नरकासुर के उन सभी 16,000 उप पत्नियों को अपना नाम देकर एक सम्मानजनक जीवन प्रदान किया। तो चलिए अब हम आपको नरक चतुर्दशी का जो शास्त्रोक्त नियम है और जो पूजन विधि है उसके बारे में प्रकाश डालेंगे, पर हम ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो मैं आपको अगले वीडियो बता दूंगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए, और दीपावली के अवसर पर आप shivago.com से बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे कि श्रीयंत्र, दक्षिणावर्ती शंख और शिवलिंग भी खरीद सकते हैं, और लक्ष्मीनारायण शालिग्राम वगैरह भी खरीद सकते हैं, जो कि ओरिजिनल मिलेगा आपको और काफ़ी कम दामों में मिल जाएगा। हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे, और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू।